हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रीत बायोलॉजी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन एथिलीन परसेप्शन। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो ऐसे टॉपिक पे हो जिस जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। वो चीज़ें आसानी रहती हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसे पूरा देख के समझ पाएँ, और इस वजह से आपका और सारा जितना भी टॉपिक रहता है वो छूट जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे ही वीडियोस बनाने की जो इस तरह के जो थोड़े से टफ़ लगते हैं हमें, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो है कि मैं आप यहाँ इस वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूँ। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, यूट्यूब चैनल पे प्रीत बायोलॉजी पे आए हैं, कि आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को, प्रीत बायोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका फ़ायदा ही हो, आपको कुछ सीखने को ही मिले बहुत अच्छे से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो जो भी लोग देख रहे हैं अभी इस चैनल को, आपसे फिर से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, प्रीत बायोलॉजी को, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर करें, और लाइक करें अगर पसंद आता है आपको। और तो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय न बर्बाद करते हुए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके लिए मैं आपको पहले ही से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन एथिलीन परसेप्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर जो आता है आपका, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम का जिक्र किया रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको लगता है कि हम एथिलीन में ये क्या बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह का आपको यहाँ पर सेगमेंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेंसर हिस्टिडीन काइनेज, और बोलते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ एक मैंने एक फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पे हिस्टिडीन काइनेज, ये काइनेज क्या है, एक तरह का, पता है ये क्या है, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल जैसे मेम्ब्रेन है ना, प्रोटीन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। हाफ इसका सेगमेंट देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर है और हाफ जो है बाहर है। ये यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है हिस्टिडीन काइनेज का, जो कि किस लिए है कि जो कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आता है, ठीक है, तो ये जो हिस्टिडीन काइनेज होते हैं ये इसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, और ज्यों ही ये रिसीव करते हैं ये हिस्टिडीन काइनेज, उसके बाद क्या होता है कि एटीपी से ये क्या करते हैं, एडीपी में चेंज हो जाते हैं और ऑटोफॉस्फाइलेशन हो जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि यहाँ का जो फॉस्फोरस जो था वो कहाँ पे आ गया, ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर यहाँ पे बने हुए हैं उसमें एक और अमीनो एसिड होती है, ठीक है, उस पर जो आके है ये लग जाता है। ठीक है, एस्पार्टेट जो है यहाँ पे आके लग जाता है, और फिर इस तरह से क्या होता है, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है जब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, और उसके बाद से जो भी
सेल को रिस्पॉन्ड करना होता है इस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, वैसी चीज़ें प्रोटीन बनने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है सिस्टम काम करता है। और ऐसा ही आपको इथाइलीन के प्रोडक्शन में भी मिलेगा, उनका रिस्पॉन्स जैसे वो देते हैं उसमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इसके तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, टू कंपोनेंट सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक सेंसर होता है जो सेंस करता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को। ठीक है, और उसको बोलते हैं हिस्टिडीन काइनेज। और दूसरा जो होता है इससे क्या, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है कैसे, क्योंकि वो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन को मतलब आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको प्रमोट करता है, एक्टिवेट करता है कुछ फैक्टर्स को, जिसकी वजह से कुछ जो भी प्रोटीन बनना होता है वो बनना होता है। तो इसी तरह का टू कंपोनेंट सिस्टम अब हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ही नहीं देखने को मिलेगा, ये जो है बैक्टीरियल टू कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज जो है, इनका स्ट्रक्चर आपको और भी जगह मिलेगा। जैसे कि मिलेगा आपको कहाँ पे मिलेगा, दो जगह, जब आप फाइटोक्रोम पढ़ेंगे ना वहाँ भी आपको मिलेगा, और जब साइटोकाइनिन जब रिसेप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से दो जगह पे मिलता है। और ऐसा ही तो आप जब भी पढ़िएगा तो फाइटोक्रोम को भी अच्छे से देख लीजिएगा, तो हो सकता है कुछ ऐसा बैक्टीरियल करके इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम, और उसमें इथाइलीन भी हो, साइटोकाइनिन भी हो और फाइटोक्रोम भी हो, तो आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी, अगर पहले इसको आप समझ लीजिए तभी आपको आगे इथाइलीन का भी समझ में आएगा। तो ये जो टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं ये मेनली क्या काम करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कपलिंग मैकेनिज्म होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, सेंस और रिस्पॉन्ड करके बहुत सारा अपने अंदर भी चेंजेस लाते हैं जो भी उनको बाहर से मैसेज मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैंने बता दिया हिस्टिडीन काइनेज होता है और रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए अमीनो एसिड सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें पाए जाते हैं, और कार्बोक्सिल टर्मिनल भी होता है। ठीक है, तो और आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे साइटोकाइनिन वाले जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसी तरह, ये इनपुट क्या है, एक तरह से रिसेप्टर है, और ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ठीक है, फिर आउटपुट है जो आना होता है, तो ये देख रहे हैं किस तरह से फॉस्फोराइलेशन होता है। देखिए फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जैसे प्रोटीन काइनेज का क्या होता है, वो एक को एक्टिवेट करता है, फिर उसके आगे और भी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इस तरह से एक चेन बन जाती है। ठीक है, बिना उसके जो होता है फॉस्फोराइलेशन के जो फॉस्फोरिल ग्रुप होता है, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक कोई भी सेल का फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आप बैक्टीरियल साइटोक्रोम में भी पढ़ेंगे तो यहाँ भी देखिए आपको ये रेड लाइट भी एक क्या है, एक तरह का स्टिमुलाई है, जहाँ पे क्रोमोफोर आए हुए हैं और ये किस तरह से सेंसर प्रोटीन यहाँ लगे हुए हैं, और फिर एटीपी के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे क्या दे रहा है कि आफ्टर रिसीविंग अ सिग्नल फ्रॉम द इनपुट डोमेन द ट्रांसमिटर डोमेन ऑफ द सेंसर प्रोटीन ऑटो फॉस्फोराइलेट्स अ हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन को ऑटो फॉस्फोराइलेट कर लेगा, उसके बाद क्या दे रहा है कि यहाँ पे एस्पार्टेट जो है यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, फिर द फॉस्फोराइलेटेड सेंट्रल प्रोटीन फॉस्फोराइलेट द रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। अब ये यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो गया और इस तरह से एक आउटपुट सिग्नल आएगा। ठीक है, आउटपुट सिग्नल आएगा जिसमें द फॉस्फोराइलेटेड रिस्पॉन्स रेगुलेटर स्टिमुलेट्स द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आप ये मैंने एक बताया आपको साइटोकाइनिन में आपको मिलेगा, और ये बैक्टीरियल फाइटोक्रोम का ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि कोई भी सेल होती है, ठीक है,
कोई भी सेल होती है इस तरह से, मान लीजिए बैक्टीरिया की है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई मतलब रिसेप्टर होते हैं रिसीव करते हैं, तो वो किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल ही आ गया किसी तरह का, ठीक है, हीट कोई स्ट्रेस ही आ गया और उनको उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना है, लाइट आ गया उस लाइट को रिस्पॉन्ड करना है, इस तरह से मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने मेम्ब्रेन से रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को और फिर सेल के अंदर में बहुत सारा एक्टिविटी होता है जिससे फॉस्फोराइलेशन होता है और फिर उसके हिसाब से फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, पूरी कहानी यही है। उसके बाद आप प्लांट फाइटोक्रोम में भी पढ़ेंगे, प्लांट फाइटोक्रोम में भी देखिए यहाँ पे सेरीन है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्रोमोफोर आ गया, ये देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, फिर यहाँ भी एटीपी आया है सेरीन पे, ठीक है, ये ऑस्फो ऑटोफॉस्फोराइलेट हुआ, और उसके बाद देखिए फिर किस तरीके से फाइटोक्रोम में फॉस्फोराइलेट अदर प्रोटीन और ये किस तरह से अदर प्रोटीन को भी कर रहा है, ठीक है, ये एग्जांपल था, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि इसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके अगर ये नहीं मतलब आप जानेंगे तो क्या होगा ना कि आप परेशान रहेंगे, वो आपके दिमाग में एक जो पिक्चर आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, वो नहीं समझ में आएगा तो फिर रट देने से नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इसको समझाया। अब हम लोग पढ़ेंगे इथाइलीन को लेकर कि किस तरह से इथाइलीन जो जीन है वो एक्टिवेट होती है और रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, जो जो उसका काम है जैसे राइपनिंग का होता है ना उस तरीके से। तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे देखेंगे ETR1 है, वो क्या है इथाइलीन रिसेप्टर, यानी कि वो कहाँ होगा, मेम्ब्रेन पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन पे लगे हुए होंगे और ये ETR इस तरह से होंगे जो कि इथाइलीन के रिसेप्टर होंगे, इथाइलीन के रिसेप्टर मीन्स वो इथाइलीन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर्स होते हैं और कोई पर्टिकुलर प्रोटीन ही किसी रिसेप्टर के पास जाती है और वो उसको रिसीव करता है, ठीक है, आई बात समझ में, और ये रिसेप्टर भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जो इथाइलीन रिसेप्टर है वो बहुत सारे मतलब जो फैमिली होती है जीन्स की वो उससे ये इंकोड होते हैं और ये बैक्टीरियल टू कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो भी हम आज पढ़ेंगे इथाइलीन को लेकर, ये रिसर्च किस पे हुआ था, एरेबिडोप्सिस पे हुआ था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, ETR1 ये यहाँ पे देखिए या म्यूटेंट है ये, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेंट क्योंकि नॉर्मल वाला तो रिसेप्टर है लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो जो म्यूटेंट है वो क्या कर रहा है, ब्लॉक द रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलीन, ठीक है, वो इथाइलीन के रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर दे रहा है। तो जब ये देखा गया तो ये समझ में आया कि हो ना हो ETR1 अगर इसमें म्यूटेशन नहीं होता तो वो कुछ रिस्पॉन्ड करता, ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ छूट गया है मेरा लिखना, द ETR1 म्यूटेंट इज़ कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू द हार्मोन। अब चूँकि अब मान लीजिए मैंने यहाँ जो ETR1 बनाया, ठीक है, अब अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इसमें कोई म्यूटेशन मान लीजिए हो गया ऐसे करके, तो इससे क्या होगा कि अब जो यहाँ पर आया हुआ था इथाइलीन जो आया हुआ था वो क्या होगा, इथाइलीन वो अब ये रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, इथाइलीन जो भी है इसको ये रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अब वैसा नहीं रह गया जैसा ये था, ठीक है, तो ये देखा गया कि अब ये इनसेंसिटिव हो गया, इस ये सेंस नहीं कर पा रहा है कि इथाइलीन जो है वो आया हुआ है और हमें उसे रिसीव करना है, ठीक है। ETR1 सबसे पहले अब इसी में देखा गया था, ठीक है, और देखा जाए तो ये बैक्टीरिया में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और मैमल्स और इसमें तो नहीं पाए जाते उतने, बहुत कम ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसका फंक्शन आपको बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी मेम्ब्रेन होती है उस पे प्रेजेंट होते हैं और जो ये
ये एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिख दिया है जबकि बाद में इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ। जब इथाइलीन को का ये रिसीव करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक कॉपर जो होता है कोफैक्टर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो कॉपर जो होता है ये एफिनिटी को बढ़ा देता है इथाइलीन से बाइंडिंग की। हाई एफिनिटी बाइंडिंग ऑफ इथाइलीन टू इट्स रिसेप्टर रिक्वायर्स अ कॉपर कोफैक्टर। तो हाई एफिनिटी जो होगी वो कैसे होगी, जब उसका कॉपर रहेगा, कॉपर जब उसके पास होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, वो अच्छे से एफिनिटी उसका इथाइलिन के लिए ज़्यादा रहेगा, तो इसके रिक्वायरमेंट होती है। अब RAN1 क्या है, एक ये जीन है, ठीक है, ये RAN1 जो है ये कॉपर के साथ मिलती है, ठीक है, उसके साथ में, और तब जो है इथाइलिन रिसीव करता है जो उसका रिसेप्टर होता है। और ये देखा गया रिसर्च करके कि जिसमें RA1 में म्यूटेशन हो गया था उसमें इथाइलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था, तो इससे ये पता चला कि RA1 जो है वो इथाइलिन के रिसीव करने को लेकर उसका बहुत बड़ा रोल होता है रिसेप्टर पे। RA1 इज़ लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ अ कॉपर आयन कोफैक्टर नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ इथाइलिन रिसेप्टर्स। ओके, अब है इथाइलिन जो होता है वो क्या होता है, कहाँ बाइंड होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद EIN2 आप देखेंगे वो एक क्या है, चैनल लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और आप इसमें ये देखेंगे जो पाथवे होता है वो एक्टिवेट करता है बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जैसे EIN3, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है EIN3, ये अगर फ्री रहता है ना न्यूक्लियस में तभी जाके इथाइलिन जो है उनके रिस्पॉन्स वाले जो जीन होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए वो काम करते हैं। अगर EIN3 का अगर डिग्रेडेशन हो गया, वो टूट गया अगर, तो फिर नहीं इथाइलिन वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का काम करेंगे ERBP फैमिली के ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है। अब इथाइलिन रिसेप्टर जो देखा गया वो ETR2 भी है, ERS1 भी है, ERS2, EIN4, ये चार इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि अमीनो टर्मिनल डोमेन होता है, और ये हाइड्रोफोबिसिटी जो है इथाइलिन शो करता है, ठीक है। इसी तरह से स्टेरॉइड वगैरह भी करता है एनिमल सेल में। और जो मिडिल पाथ होता है इथाइलिन रिसेप्टर का, उसके पास क्या होता है, हिस्टिडीन काइनेज होता है जो कि कैटलिक डोमेन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और अच्छे से देखते हैं कि ये आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे लॉक हैं, ताले लगे हुए हैं, ये सारे जितने भी रिसेप्टर हैं ETR1, ETR2, ERS1, ERS2, EIN4, और यहाँ पे आपका C2H4 इथाइलिन है। ये क्या कह रहा है, इथाइलिन बाइंडिंग इनएक्टिवेट्स रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को इनएक्टिवेट। अब थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि जब ये इसको इनएक्टिवेट कर देगा तो फिर यहाँ पे नीचे कैसे बता रहा है कि इथाइलिन जो है वो रिस्पॉन्स होगा, वो इसलिए है, ये है ही थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, तो ये इथाइलिन का जो आगे जो रिस्पॉन्ड करना होता है जीन को इथाइलिन के रिसीव करने के बाद, ठीक है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो काम नहीं, क्योंकि बीच में ही रोक देते हैं। जब ये एक्टिव रहते हैं ये रिसेप्टर्स, तो ये रोक देते हैं इथाइलिन रिस्पॉन्स को, लेकिन जब इथाइलिन इस पे आता है, ये रिसीव कर लेता है, बाइंड कर लेता है, तो इथाइलिन रिस्पॉन्स पाथवे ऑन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए बाइंडिंग के बाद से इसमें ताले लगे हुए हैं, ये अपने मन का काम नहीं कर सकते, ये इथाइलिन के रिस्पॉन्स को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। आया समझ में कि ताले क्यों लगे हुए हैं, ताकि अपने मनमर्जी का काम नहीं कर पाएँ। और इनके मनमर्जी का काम क्या है इन रिसेप्टर्स के, कि हमें इथाइलिन के रिस्पॉन्स को नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन इथाइलिन आएगा और कहेगा कि अब तुम करो अपनी मन की, वो तो उसको बाइंड कर गया, तो उसके बाद से इथाइलिन जिस लिए वो आया था वो अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट यही है, अनबाउंड इथाइलिन रिसेप्टर्स आर निगेटिव रेगुलेटर ऑफ द रिस्पॉन्स पाथवे। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर कि जो अनबाउंड इथाइलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, निगेटिव रेगुलेटर होते हैं, काम नहीं करते हैं। ठीक है, एक तरह से उस पाथवे को। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये इस पर कोई वो नहीं है, रिसेप्टर नहीं है। तो ये कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन द रिसेप्टर्स आर एक्टिव एंड सप्रेस द इथाइलिन रिस्पॉन्स। उसी का ये एक तरह से आगे का आपको दिखा रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है ना। अब अगर उसके बाद क्या एक और फिगर है जो कि इसमें क्या दिखा रहा है, डिसरप्शन इन द रेगुलेटरी डोमेन ऑफ मल्टीपल इथाइलिन रिसेप्टर। अब यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, डिसरप्टेड रिसेप्टर्स आर इनएक्टिव इन द प्रेजेंस और एब्सेंस। अब ये चूँकि रिसेप्टर ही डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, तो चाहे इथाइलिन रहे और चाहे ना रहे, इथाइलिन रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं कि पूरा इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन होता कैसे है। ये एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपका सारा जो भी आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए E2H4 है, तो यहाँ पर ये हिस्टिडीन ऐसे लगे हुए हैं, सल्फर बॉन्ड है, कॉपर इससे जुड़ा हुआ है। तो RAN1 प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड टू असेंबल द कॉपर कोफैक्टर इनटू द इथाइलिन रिसेप्टर। ठीक है, इसको इस अब यहाँ पे क्या है, इसको असेंबल होने के लिए कॉपर को क्या चाहिए होता है, RA1 चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हिस्टीन काइनेज डोमेन आपको दिख रहा है, तो ये ATP टूटा और ADP बना, ऑटोफॉस्फोराइलेट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ रिसेप्टर डोमेन भी है। ठीक है, इसको होमोडाइमर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तरह का आपको वो दिख रहा है ना, यूनिट दिख रहा है एक ही जैसा, इसीलिए उसको होमो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि जब इथाइलिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इथाइलिन यहाँ ब्लॉक करके रखा है ना, नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, CTR1 RAF लाइक काइनेज को क्या कर दे रहा है, इसको एक्टिवेट कर दे रहा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन ETR1 एंड द अदर इथाइलिन रिसेप्टर आर रिसेप्टर्स एक्टिवेट द काइनेज एक्टिविटी ऑफ CTR1। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी काइनेज की एक्टिविटी जो है वो ऑन कर देते हैं, और दिस लीड टू रिप्रेशन ऑफ इथाइलिन रिस्पॉन्स पाथवे थ्रू मैप काइनेज कैस्केड। जब आप मैप काइनेज कैस्केड जो है वो पढ़ेंगे, तो उस पाथवे के फॉलो करते हुए ये CTR1 क्या करते हैं, इथाइलिन के रिस्पॉन्स को रोक देते हैं। मतलब ये क्या करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे लगे हुए रहेंगे और भी सारी प्रोटीन, और उसको ये फॉस्फोराइलेट करेंगे, और ये फर्दर क्या होंगे आगे जाके, जो हमने पढ़ा था ना EIN3, उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं इथाइलिन का हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को, यहाँ जो लिखा है इसके हिसाब से जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ समझ में आया कि इथाइलिन जब रिसेप्टर नहीं है तो ये CTR1 क्या कर रहा है, ये देखिए ये इसको रोक रहा है ना यहाँ पर, ये जो इस तरह का इस पे ये जो इस तरह का ये ब्लॉक करने का ये एरो है, ये दिखा रहा है कि ये ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आगे वाले जो भी यहाँ पाथवे उसको ब्लॉक कर रहा है। आगे क्या है, फाइनली आपको क्या यहाँ मिल रहा है, इथाइलिन रिस्पॉन्स जीन मिल रहा है ना, ये इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मैप काइनेज पाथवे जो होता है उसके थ्रू। अब क्या कह रहा है, द इनएक्टिवेशन ऑफ CTR1 अलाउज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन EIN2 टू बिकम एक्टिव। अब ये जो इनएक्टिवेशन CTR1 का हुआ है, ये अलाउ करेगा किसको, EIN2 टू बिकम एक्टिव। अब ये जो होमोलॉग ये जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये EIN2 NREM
होमोलॉग एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ EIN2 टर्न्स ऑन द EIN3 फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इन 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 सारे फैक्टर्स को क्या करेगा, इनकी एक्टिविटी को ऑन कर देगा, विच इन टर्न इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ERF1, जो कि क्या करेगा, फाइनली ERF1 को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। ठीक है, द एक्टिवेशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शनल कैस्केड लीड्स टू लार्ज स्केल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विच अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट अल्टरनेशन इन सेल फंक्शन। तो इस तरह से हो गया। कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि जब इथाइलीन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, जब ये प्रेजेंट रहेगा तो, और जब इथाइलीन क्या होगा, इथाइलीन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, यानी इथाइलीन का रिस्पांस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना था जो कि आप और भी जगह पढ़ेंगे, अब इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है पूरे पेशेंस के साथ में पूरी वीडियो को सुना। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार फिर से दोहराती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे से खाइए पीजिए रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।